सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुपेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है मेरे पास में आपके लिए एक सवाल कि आप मुझे ये बताइए कि आप दोस्तों टिकटॉक्स जो है वो किस टाइम पे देखते हैं। आप देखते हैं वीडियो आते ही शाम में, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, दोस्तों क्या होता है टाइम जो आप देखते हैं टिकटॉक्स को। फिलहाल मैं हो गया हूँ थोड़ा सा 10 मिनट लेट, तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे इस वीडियो में जल्दी जल्दी। आप बस दबाओ लाइक का बटन, आपको खुशी मिलेगी और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो पहला अपडेट है वो निकल के आता है जापान की तरफ से और यहाँ पर दोस्तों जापान ने लॉन्च कर दिया है अपने एक नए सैटेलाइट नेटवर्क की 4th सैटेलाइट को और ये दोस्तों नेटवर्क काम में लिया जाएगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स की पोजीशनिंग को लेके। अब यहां पे दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो जीपीएस है उस पे डिपेंडेंसी जो है वो अब नहीं रहेगी। इसी दोस्तों तरह अभी इंडिया में भी हमारे पास में अपना एक नेटवर्क है जिसका नाम है IRNSS या फिर दोस्तों मैं कहता हूं तो नेविक, और यहां पे दोस्तों हम भी यही चाहते हैं कि एटलीस्ट दोस्तों अगर हमसे बात करते हो इंडियन आर्मी वगैरह की तो हम भी जीपीएस पे डिपेंडेंट ना रहे पोजीशनिंग के लिए। काफी अच्छी बात है, यूएस की जो मोनोपोली है ना वो धीरे धीरे हटनी ही चाहिए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 प्लस को लेके। ये दोस्तों बहुत पहले की रिपोर्ट्स है, बार बार आती है सामने कंफर्म होने के लिए, जहां पे दोस्तों मालूम ही चलता है कि फोन में लगा होगा स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर और यहां पे दोस्तों क्वालकॉम से स्टार्टिंग का जितना भी स्टॉक होगा वो डायरेक्टली सैमसंग लेने वाला है अपने फोन्स के लिए। इसका मतलब शायद LG G7 की किस्मत एक बार वापस से खराब होने वाली है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि फोन कब आते हैं मार्केट में और क्या दोस्तों रहता है इनकी प्राइस, क्या दोस्तों होते हैं लॉन्च। लेकिन फिलहाल के लिए इतना मान लो कि क्वालकॉम का जो भी लेटेस्ट होगा वो दोस्तों आएगा काम में इन फोन्स में और अगर फोन दिखने में ऐसे हुए तो मजा आ जाएगा। दोस्तों यहां पर अगला अपडेट है वो निकल के आता है फरारी की तरफ से और यहां पर दोस्तों 2020 तक मार्केट में आ सकता है फरारी की तरफ से एक दोस्तों नया व्हीकल जो कि होगी एक SUV और यहां पर दोस्तों फरारी SUV मतलब बहुत ही सुन के काफी कमाल लगता है और इनफैक्ट दोस्तों ये होगी एक इलेक्ट्रिक पावर्ड SUV जो कि और दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप देखते हैं तो लैम्बोर्गिनी का भी बहुत पहले एक दोस्तों आता था जीप टाइप का कुछ अजीब सा मॉडल था और यहां पर दोस्तों फरारी भी लेके आ सकता है अपना ऐसा कुछ SUV, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Samsung Galaxy Tab A के लिए। दोस्तों ये जो टैबलेट है ये लॉन्च कर दिया है Samsung ने इंडिया में, जो प्राइस है वो है 17,990 रुपए। यहां पे दोस्तों आपको मिलता है Snapdragon का 430 प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी है, दोस्तों अभी जो स्क्रीन है वो है 8 इंचेस का। लेकिन यार 18,000 में Samsung का दोस्तों ये टैबलेट कोई क्यों लेगा? थोड़े सस्ते वाले हैं तो अलग बात है यार, या फिर एकदम अल्ट्रा प्रीमियम तो अलग बात है यार। ये इस तरह के टैबलेट ना ये बेसिकली पैसे की वेस्टेज होते हैं। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है ओप्पो की तरफ से। दोस्तों यहां पे ये जो है ये है दोस्तों एक इनवाइट जो कि एक इवेंट दोस्तों हो रहा है 26 अक्टूबर को। यहां पर दोस्तों ओप्पो लॉन्च करने वाला है ओप्पो का F5, लेकिन ये दोस्तों जो इनवाइट है ये मेरे को लगता है कुछ देखा देखा सैमसंग दोस्तों ऐसे कुछ डिजाइन काम में लिया था अपने S8 के टाइम पे, इसके अलावा दोस्तों ऐसा ही कुछ डिजाइन काम में लिया था अपने नोट 8 के टाइम पे और यहां पे ओप्पो ने मतलब इनवाइट का भी स्टाइल कॉपी कर लिया है। इसको हम क्या कहेंगे, जीनियस। दोस्तों यहां पे फोटोज आ गई हैं कुछ पहले ही ऐसे 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 वाले पोज की और यहां पे हम देखते हैं कि ओप्पो F5 क्या कमाल करता है जब आता है मार्केट में 26 अक्टूबर को। दोस्तों यहां पे अगला अपडेट है वो निकल के आता है भैया iPhone 8 Plus 8 दोस्तों जो बैटरी फूल रही है उसको लेके, और यहां पे दोस्तों अभी करीब 7 और नए केसेस आ गए हैं ऐसे ही बैटरी फूलने के और ये दोस्तों हो रहे हैं चाइना जापान वगैरह वगैरह में। अभी इंडिया में दोस्तों फिलहाल कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन भाई अगर ये बड़े स्केल पे निकल गया, अभी तो सिर्फ फूल ही रही हैं, अगर दोस्तों बैटरीज ने फटना स्टार्ट कर दिया तो अब सोच के देखो दोस्तों क्या होगी एप्पल की हालत। पिछले साल तो सैमसंग संभाल गया था, अभी देखते हैं दोस्तों क्या कहता है एप्पल इसी बैटरी फूलने के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है बहुत ही कमाल की चीज़ को लेकर और यहाँ पर दोस्तों एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है सिंगापुर में जो दोस्तों अभी शुरुआत कर चुका है रोबोटिक मसाज, यानी कि दोस्तों इंसान जो है वो आपके हाथ पांव दोस्तों मालिश नहीं करेगा, यहाँ पे आप लेट जाओ दोस्तों बिस्तर पे और एक होगा रोबोट जो आपको परफेक्ट प्रेशर दोस्तों दे पाएगा आपकी कमर, आपको दोस्तों अगर करवाने अपने पैरों वगैरह की मालिश तो यहाँ पे दोस्तों उस काम के लिए भी है एक रोबोटिक आर्म जो एक काफी कमाल चीज है। यानी कि आप दोस्तों मुझे सिर्फ इतना बताओ कि फ्यूचर में आप कहाँ कहाँ सोचते हो कि रोबोट्स घुस पाएंगे, ऐसे कौन से जॉब्स हैं जो रोबोट बड़े ही आराम से कर पाएंगे,
या आपका सपना क्या है कि काश ये काम रोबोट कर पाए, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है मेरे लिए एक बहुत ही कमाल की न्यूज़। हालांकि मैं ऊबर काम में नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी दुबई में अगर कोई ऊबर में ट्रैवल करता है तो दोस्तों ऑप्शन है कि वो टेस्ला से भी ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल जो है दुबई में ऊबर का जो फ्लीट उसमें है मेनली लेक्सस की ई सीरीज की कार्स, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी इसमें टेस्ला भी शामिल हो गई है और ये दोस्तों आगे चल के और नंबर बढ़ने वाला है। और इनफैक्ट यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप टेस्ला में सफर करेंगे तो मैं एक उबर राइड ले सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं। कैसा रहेगा आइडिया मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है सोनी के RX10 मार्क 4 कैमरा। दोस्तों ये जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जो प्राइस रखी है वो है 1,29,990 रुपए। ये है दोस्तों 20.1 मेगापिक्सल वाला एक कैमरा जहां पर आपको मिलता है 25x का ऑप्टिकल जूम। अगर आप हैं सोनी के फैन दोस्तों, अगर आपको खरीदना है 1-1.5 लाख रुपए के बीच में कैमरा तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही महंगा है। बेसिक यूज के लिए आपको और मार्केट में बहुत सारे कैमरा ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट है वो निकल के आता है एसर की तरफ से। दोस्तों ये है एसर के नाइट्रो 5 स्पिन गेमिंग लैपटॉप के लिए। दोस्तों यहाँ पे एसर ने इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जो प्राइस है वो शुरू होती है 7,990 रुपीज से और यहाँ पे दोस्तों अगर देखते हैं इसका टॉप द लाइन मॉडल तो यहाँ पे इसकी प्राइस हो जाएगी 9,490 रुपीज। ये है दोस्तों एक कन्वर्टेबल गेमिंग लैपटॉप जहां पर आपको मिलता है दोस्तों 8th जनरेशन का कोर आई प्रोसेसर। ये है दोस्तों कोर i5 या फिर कोर i7 और दोस्तों आपको मिलता है एनवीडिया की तरफ से आने वाला GTX 1050 ग्राफिक्स कार्ड। तो अगर आप इससे दोस्तों खेलते हैं गेम्स तो इसे ऐसा बोलता है कि यहाँ पर जो बैटरी है वो होने वाली है 10 घंटे तक। देखते हैं दोस्तों कितना रहता है कमाल, लेकिन एक गेमिंग लैपटॉप जो कि आता है एसर की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है भैया एक बहुत ही दोस्तों डराने वाली न्यूज। और यहाँ पे दोस्तों चाइना में हुआ ऐसा कि एक लेडी ने दोस्तों खेला लगातार 24 घंटे तक अपने फोन में गेम और उसके बाद दोस्तों एक आंख से उनको दिखना बंद हो गया। ये दोस्तों एक बहुत ही डराने वाली दोस्तों न्यूज़ है। वो इस गेम में इतना घुस गई थी कि गेम छोड़ नहीं पा रही थी, लगातार दोस्तों खेल रही थी गेम। उसके बाद दोस्तों उनको एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में जहां पे उनको एक आंख से दिखना बंद हो गया। और दोस्तों गेम है उसका नाम था हाउस ऑफ किंग्स। तो प्लीज अगर आप दोस्तों ऐसे लंबे समय तक गेम खेलते हो तो अपनी आदत को बदलो, बिकॉज ये हो सकता है नतीजा जो कि हुआ दोस्तों चाइना में और ये एक बहुत ही दर्दनाक बात है। दोस्तों अगला अपडेट है आपके लिए वो निकल के आता है Xiaomi के Mi Mix 2 के लिए। ये दोस्तों इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है, मैं आपके लिए बना चुका हूं इसकी वीडियो पहले से ही। यहां पे दोस्तों प्राइस है वो है 3,599 इंडियन रुपीज। फोन की प्राइस दोस्तों बहुत ही कॉम्पिटेटिव है चाइना के हिसाब से, लेकिन आप मुझे बताओ फिर भी कि आपका मन किस तरफ डाइवर्ट होता है, OnePlus 5 की तरफ, Nokia 8 की तरफ, Honor 8 Pro की तरफ या फिर Xiaomi के Mi Mix 2 की तरफ। दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली डिजाइन जो है वो बहुत ही कमाल का है। कैमरा दोस्तों जो है वो रहेगा यहाँ पे मेन सीन जजमेंट का कि भैया आप जो है वो कौन से फोन को चूज करते हैं। अदरवाइज स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम है सभी फोन्स की, डिजाइन में दोस्तों Mi Mix 2 जीत जाता है, लेकिन कैमरा दोस्तों हो सकता है यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर आपके नए फोन को परचेज करने का। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Elon Musk की तरफ से और वो दोस्तों बोलते हैं कि जो गूगल का क्लिप्स है वो इतना इनोसेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो गूगल क्लिप्स कैमरा है ये है दोस्तों एक AI पावर्ड कैमरा जहां पे अपने आप से ही फोटो क्लिक करता है जब उसका मन होता है तब। और यहां पे Elon Musk ने बोला है कि ये इतना भी इनोसेंट नहीं है। भाई यहाँ पे दोस्तों मतलब लड़ाई चलती है AI के फील्ड में, मशीन लर्निंग के फील्ड में, कैसे कौन सी कंपनी आगे निकल जाए। और यहाँ पे Elon Musk ऐसे मजाक बहुत बार ऑनलाइन करते रहते हैं। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Airtel की तरफ से और यहाँ पे दोस्तों Airtel की 4G वोल्टी सर्विस आ गई है। दोस्तों ये हो गई है लाइव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आप रहते हैं वहां पे कहीं तो आप कर पाएंगे HD कॉल्स। कैसे दोस्तों होने वाली है कॉल क्वालिटी हम देखेंगे आगे चल के फ्यूचर में। अगर आप दोस्तों रहते हैं इन्हीं में से किसी एक स्टेट में तो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में कि क्या आपने Airtel 4G वोल्टी सर्विस को यूज किया या नहीं। दोस्तों बस यही तरह सारे अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैं आपको रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।